सभी को जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्य के बारे में। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, जो अजैन है मेरे दोस्त, पूछते हैं कि भाई तुम लोग चावल ही क्यों चढ़ाते हो मंदिर में, और बहुत सारे इस तरीके के सवाल आते हैं। आप लोग के मन में भी आते होंगे कि सिर्फ चावल ही क्यों चढ़ाना, हम तो कुछ और भी चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। आज ये सारी चीज़ों के जवाब हम विद लॉजिक समझेंगे कि क्यों चावल ही चढ़ाना है, क्या रीज़न है, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ द्रव्य। आप जो भी सामग्री लेके जा रहे हो, दैट डजेंट मैटर वो चावल है या एक्सपेंसिव कुछ भी है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो उसकी क्वालिटी तब कहते हैं कि उत्कृष्ट, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अब आप अच्छी कैसे डिसाइड करोगे? कोई बोले कि हमारी तो इतनी परिस्थिति है ही नहीं कि हम अच्छी दे सकें, तो द थिंग इज कि जो आप खुद खा रहे हो ना, बस इतना करो कि वो चढ़ा दो भगवान को। डोंट डू दिस कि 120 रुपए किलो के तो हम खा रहे हैं लेकिन हम चढ़ाएंगे तो भाई 40 रुपए किलो के। और आज आपको पता है किराने की दुकान पे तो फेमस है भाई मंदिर के चावल देना, तो वो 40 रुपए किलो वाले चावल लेके आ जाते हैं, विच इज मतलब शर्म की बात है, ये लिटरली शर्म की बात है। हाँ, तो तब कहते हैं उत्कृष्ट जो है द्रव्य होनी चाहिए पहली चीज। दूसरी होनी चाहिए जीव जंतु रहित होनी चाहिए। कई बार क्या होता है द्रव्य में छोटे छोटे कीड़े तिरूले ये सब आ जाते हैं, तो उससे रहित होनी चाहिए। स्वच्छ होनी चाहिए, मतलब एकदम क्लीन, बढ़िया, प्यारी सी, सुंदर सी द्रव्य होनी चाहिए, ठीक है। अब ये है कि भाई क्या चढ़ाएं, तो अपने अपने हिसाब से लोग चढ़ाते हैं। जैसे जो स्वर्ग के देव आदि हैं, ऐसा शास्त्रों में आता है कि जो देव आदि हैं वो फल और लाइक फल आदि और जो भी मतलब उनकी बेस्ट चीज़ें होती हैं वो लेके जाते हैं। जो चक्रवर्ती आदि, महाराज आदि जो होते हैं, वो कई रत्न और यू नो डायमंड्स और ये जो होते हैं ना उनके हीरे मोती जवाहरात, उससे दर्शन करते हैं। और जैसे शास्त्रों में एक मनोवती कन्या का एक कहानी है, आपने कई सभी ने सुनी होगी ऑलमोस्ट, उसका भी आता है कि उसका तो वो मतलब लड़की थी, उसका ऐसा नियम था कि जो वो गजमोती होते हैं ना जो, वो चढ़ा के ही भगवान के दर्शन कर मतलब वो चढ़ा के ही दर्शन करेगी, उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करेगी। तो इस तरीके की भी हमारे मतलब आदर्श जो हम कह सकते हैं कि द्रव्य के मामले में है। बाकी एज यू वॉन्ट एज यू विश, ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको ये ही चढ़ाना है या ये नहीं चढ़ाना है, आप ऐसे कुछ भी चढ़ा सकते हो। बस हाँ, चढ़ाते वक्त इतना ध्यान रहे कि उससे जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एनीथिंग जो आपका मन हो, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर आता है नीड ऑफ द्रव्य। अब जरूरत क्या है भाई कुछ भी ले जाने की? मंदिर है, मंदिर तो भगवान के पास जा रहे हैं, ऐसे ही चले जाओ, कहाँ दिक्कत है? क्या दिखाना है, किसको दिखाना है कि भाई देखो हम क्या क्या चढ़ाते हैं? तो नहीं, किसी को हमें दिखाना नहीं है कि देखो हम तो क्या क्या चढ़ाते हैं। द थिंग इज कि क्या जरूरत है द्रव्य की? तो इसका जवाब है कि हमारा जब हम मंदिर हाथ में द्रव्य लेके जाएंगे ना घर से, अच्छा आजकल तो एक नई प्रथा शुरू हो गई है, द्रव्य मंदिर में ही मिलती है, आपको घर से भी लेके नहीं जाना। ओ माय गॉड, ये तो क्या मतलब, लोग कहते हैं कि अरे हमने तो साल भर के पैसे दे दिए मंदिर में द्रव्य के, वो पैसे दे दिए दैट डजंट मैटर, उसके बाद आप हाथ में द्रव्य लेके हमें जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? इससे क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं भटकता, हमें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा रास्ता जो है उस पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, हम कहीं बातों में नहीं उलझते 100 जगह, ठीक है, ये रीज़न है। और लोक व्यवहार में इसके बारे में बताते हैं कि जैसे जब हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, किसी राजा महाराजा के यहाँ जाते हैं, किसी के यहाँ भी जाते हैं, तो क्या हम खाली हाथ चले जाते हैं क्या कि भाई चलो? नहीं तो अभी वो जो बुआ है ना, वो आपकी वही वाली बुआ जो आपकी मौसी, कहेंगे अरे इतना तो पैसा है और बताओ 1 किलो सेव ही ले आते, सुना है ना? हाँ, यही होता है। इसलिए क्या होता है, हम लोग व्यवहार में भी हम कहीं किसी के घर जाते तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, है ना? ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के 3 लोग के नाथ के दर पे जा रहे हैं तो हम खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हाथ में द्रव्य लेकर ही मंदिर जाना चाहिए। अब द थिंग इज कि आजकल जो सबसे ज़्यादा चलन में है वो है चावल, कि लोग मंदिर कैसे जाते हैं, चावल लेके जाते हैं। कई मेरे अजैन फ्रेंड्स ने भी पूछा कि भाई चावल ही क्यों चढ़ाते हो, तो उसके पीछे एक लॉजिक है कि जिस प्रकार चावल जो धान से निकल जाता है उसके बाद उसमें वापस उगने की शक्ति नहीं होती है, तो ठीक उसी प्रकार जब हम चावल चढ़ाते हैं भगवान को, तब हम ये भावना करते हैं कि हे भगवान, जिस तरह इसमें अब उगने की शक्ति खत्म हो गई है, ठीक उसी प्रकार अब मुझ में भी उगने की, यानी उगने अर्थात जन्म लेने की शक्ति मेरी खत्म करो ना। क्या वापस कहीं कुत्ता बना दिया, कहीं हाथी बना दिया, कहीं कीड़ा बना दिया,
एनीथिंग जो आपका मन करता है आप बना देते हो। भगवान नहीं बनाते, हमारे कर्म बनाते हैं। पर हाँ, मतलब उनसे ये प्रे करते हैं कि यार जिस तरीके से आप ये सबसे छूट गए हो ना, तो बस हमें भी निकाल दो इस सब चीज़ों से बाहर। प्लस वो एक ऐसा अन्न है जिसको हम वापस उगा नहीं सकते हैं, इसके लिए उसमें जीव हिंसा की भी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ये सारे लॉजिक्स हैं कि हमें ऐसी द्रव्य चढ़ानी चाहिए, जिस भाव से चढ़ानी चाहिए, क्यों चढ़ानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे। तब तक देखते रहिए जैन पाठशाला वह शिवानी, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ये तो नई चीज़ें हैं यार, ये तो किसको पता होती है ना। मैंने भी बहुत सारा पढ़ा था, मुझे पता चला, लिटरली मैं क्या जानती हूँ, अच्छी होगी। चलिए देखते रहिए जैन पाठशाला वह शिवानी। सभी को जय जिनेंद्र।